Good morning, students. In our English practice, today we are going to start with chapter number 3, that is My Brother, My Brother. Now, this story is written by Nora Burke. She was born in 1907 and she died in 1976. She was born in Bedford, England, and she was a very good novelist. Here, you can see the description is given for author, and I will be sending the PDF file also along with the question answers. So first of all, when you start the chapter, as we are doing earlier also, you just need to mention the name of the chapter, number of the chapter, today's date, and first you have to start with the author's description, that is Nora Burke. Now, this is a common story, or we can say a story about two brothers. One brother, that he is only 12 years old, but how he saved life of his brother. So, how he faced difficulties, what he did for his brother, for his younger brother, younger matlab chota bhai, uske liye wo kya karta hai aur kaise apne bhai ko bachata hai by facing many difficulties. So, this story is based on My Brother. So, now let's start. This story is about brave hearted boy named Sher Singh, who is courageous and fearless. These qualities help him to face difficulties and save his brother. जो लड़के की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, उसका नाम है शेर सिंह. शेर सिंह's little brother lay in the hut with a pain in his stomach that was getting worse. उसके छोटे भाई को बहुत ही stomach pain हो रहा था और वो बढ़ रहा था stomach pain. शेर सिंह himself was only about 12 years old, small and cheerful, a child of jungle. His brother was several years younger. उसका भाई बहुत ही छोटा था और शेर सिंह भी only 12 years old था. I will wring out rags in boiling water and lay them on his stomach, said his mother. She did not weep. She had lived through everything over and over again. उसकी मम्मी ने भी जो कपड़ों के टुकड़े होते हैं उसको पानी में बॉईल करके उसकी स्टमक पे रखे ताकि उसका दर्द कम हुआ, पर वो भी सारा वेस्ट हो गया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था. द स्ट्रीमिंग रैग्स डिड नॉट हेल्प. जो उबला हुआ कपड़े का टुकड़ा था वो भी उसको हेल्प नहीं कर पा रहा था. आफ्टर अ व्हाइल शेर सिंह्स मदर सेड ही मस्ट बी कैरीड टू द हॉस्पिटल एट कालाघाट. फिर उसकी मम्मी ने बोला कि कालाघाट में जो हॉस्पिटल है वहां पे उसको लेके जाना पड़ेगा, उसकी हालत ठीक नहीं है. देन शेर सिंह थॉट दैट हिज ब्रदर वाज डाइंग. ऑल जंगल पीपल समहाउ थॉट दैट द हॉस्पिटल वाज लास्ट रिसोर्ट ऑफ द डूम्ड. डूम्ड इट मींस सबसे आखिरी रास्ता वही है कि उसको हॉस्पिटल ले जाना चाहिए. आई विल रन फॉर माई ब्रदर ही क्राइड. वो दौड़ते भागते हुए बोला कि मैं मेरे पापा को बुलाऊंगा. इट मे बी डेज बिफोर यू फाइंड हिम. उस उनको ढूंढने में तुम्हें बहुत सारे दिन लग सकते हैं. शेर सिंह फादर वॉज अवे इन द जंगल विद द फोटोग्राफिक एक्सपेंडिशन. एक्सपेंडिशन फोटोग्राफिक मतलब अ पर्सन, एक आदमी जो फोटोग्राफी का काम करता है जंगल में, उसको फोटोग्राफिक एक्सपेंडिशन बोलते हैं. ऑल द मैन Ladwani village too were with the expedition as betters. Betters मतलब जो पीपल उनके साथ जाते हैं और ड्रम्स वगैरह जो साथ में बजाते रहते हैं उनको betters बोलते हैं. कि उसके पापा photographic expedition थे और वो जंगल में wild animals की photos वगैरह सब लेने के लिए दूर दूर जाते रहते थे. शेर सिंह looked at his younger brother and saw that he was in great pain. वो अपने भाई की तरफ देख रहा था तो उसे महसूस हुआ कि उसको ज्यादा ही दर्द हो रहा है. कालाघाट वॉज एटलीस्ट 50 माइल्स अवे, बट शेर सिंह होप्ड दैट ही कुड गेट थ्रू द जंगल एंड क्रॉस द टू रिवर्स इन बिटवीन. ही माइट गेट अ लिफ्ट इन अ बुलॉक कार्ट और परहैप्स इवन अ ब्रोकन डाउन ट्रक फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज जर्नी. कालाघाट जाने के लिए उसको 50 माइल्स पार करना था और उसके बीच में दो रिवर्स आती थी जो रिवर्स को भी उसको क्रॉस करना था, पर वो सोच के रखा था
कि या तो उसको बुलक कार्ट मिल जाएगी या कोई टूटा फूटा ट्रक मिल जाएगा जिससे वो जिसको वो हायर करके अपने भाई को हॉस्पिटल तक पहुंचा देगा. हियर नाउ इज अ शॉर्ट क्वेश्चन दैट विल शेर सिंह बी एबल टू टेक हिज ब्रदर टू द हॉस्पिटल ऑल अलोन. यस, बिकॉज ही वॉज वेरी करेजियस एंड फियरलेस. शेर सिंह वॉक्ड अलोन कैरिंग हिज ब्रदर ऑन हिज बैक. ही वॉक्ड थ्रू द जंगल, नाइट फेल. वो अपने भाई को लेके जा रहा था और उतने में रात हो गई. द स्काई बिकेम पर्पल ब्लैक, इट ब्लिजल्ड विद स्टार्स. आकाश जो है वो पूरा पर्पल और ब्लैक की तरह होने लगा. इट मीन्स शाम ढलने लगी और स्टार्स चमकने लगे. शेर सिंह हैड गुड आईज, ही कुड स्टिल सी. उसकी आंखें बहुत अच्छी थी, उसको अभी भी दिख रहा था. प्रेजेंटली द मून रोज, द साइट ऑफ बैड ट्रैक्स इन द डस्ट, द स्क्वायर फ्रंट पाउज एंड लॉन्ग बैक वन विद द शेबी क्लाउज मेड हिम ग्लांस अराउंड अनइजीली. और बाद में धीरे धीरे जो कोहरा छाने लगता है और ज्यादा डार्क हो रहा था तो उसकी वजह से उसको आसपास धीरे धीरे अच्छे से सब दिखाई नहीं दे रहा था. ऑन अ क्लिफ अबव अ रिवर बेड, शेर सिंह न्यू ही कुड गो नो फर्दर विदाउट रेस्ट. स्वेट वॉज रनिंग ऑफ हिज शेकिंग फ्लैश. ही सेट कन्वर, कन्वर इट मीन्स हिज यंगर ब्रदर, डाउन जेंटली अगेंस्ट अ ट्री. अब शेर सिंह भी बहुत थक गया था और उसने अपने भाई को नीचे पेड़ के पास सुला दिया और वो पूरा स्वेटिंग हो रहा था, उसको बहुत ज्यादा पसीना आ रहा था क्योंकि वो अपने भाई को अपनी पीठ पे उठा के लेके जा रहा था. इट वॉज देन दैट ही हर्ड अ जॉस्टल एंड स्क्विल. जॉस्टल एंड स्क्विल मतलब कोई भी एलिफेंट के जोर से चिल्लाने की या ग्रंट करने की आवाज. बिलो हिम ऑन द रिवर बेड द एलिफेंट्स ट्रैवल. वहाँ पे रिवर बेड पे कुछ एलिफेंट्स आए. ही कुड सी द काउज एंड द बेबीज एंड वन ग्रेट ओल्ड टस्कर. टस्कर मतलब एलिफेंट ओनली, बहुत ही बूढ़ा जो हाथी हम बोलते हैं. इट वॉज प्लेइंग इट्स ट्रंक टू एंड फ्रो टू लर्न वॉट एवर द ब्रीज कुड टेल इट एंड सडनली इट हेजिटेटेड. और वो फ्रो मतलब दूर तक उड़ाना, अपनी ट्रंक से पानी लेके वो दूर दूर तक उड़ा रहा था, वैसे खेल रहा था. सॉरी. द ट्रंक केम राउंड टुवर्ड्स द बॉय. सेशिन चिल्ड विथ फ्राइटन, वो बहुत ही डर गया. विथ कन्वर्ट टू कैरी ही कुड नाइदर क्लाइम नॉर रन. और वो सोच रहा था कि मेरे भाई को लेके ना तो मैं पेड़ पे चढ़ सकता हूँ ना तो मैं उसको लेके भाग सकता हूँ. Do you think the tusker will come towards the boys? आपको लगता है कि elephant जो है वो boys के पास आएगा? No, they are not going to come towards the boys. The tusker snorted, drummed and shook its head. Suddenly it hurried on angrily up the river bed and all the herd went it with it. They disappeared. और थोड़ी ही देर में वो थोड़ा चिल्लाने लगे, थोड़ा सा angrily घुराने लगे और थोड़ी ही देर में वो वहां से चले गए सारे एक साथ. डिसअपीयर, डिसअपीयर मतलब गायब हो जाना. शेर सिंह ब्रेथेड वन मोर प्रेयर ऑन ऑफ थैंक्स दिस टाइम एंड गॉट रेडी टू मूव विथ कन्वर ऑन हिज बैक वंस अगेन. ही स्क्रैम्बल्ड डाउन इनटू द रिवर बेड, ही स्टेप्ड इनटू द रिवर. शेर सिंह ने वापस गहरी सांस ली और भगवान का शुक्रिया किया कि आपने इस बार मुझे बचा लिया और अपने भाई को वापस उठाया और रिवर में अंदर जाने लगा. द वॉटर वॉज सो कोल्ड एंड डीप. थैंक्स गुडनेस देयर वॉज अ ब्रिज एट द सेकेंड रिवर. ऊपर दूसरी जो रिवर पे उसको जाना था वहां पे थोड़ा सा एक ब्रिज था. इट वॉज अ फ्लिम्सी थिंग मेड ऑफ बैम्बू पूल स्टोन थिक ग्रास एंड रिवर ग्लेव्स. जो दूसरा ब्रिज था फ्लिम्सी मतलब बहुत ही कमजोर, थोड़ा सा टूटा फूटा, बट इट वॉज एटलीस्ट अ ब्रिज, पर वो एक ब्रिज था. ही प्लॉप्स स्टेडली ऑन, वो धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा. टुवर्ड्स मिडनाइट ही हर्ड द सेकंड रिवर अहेड ऑफ हिम. धीरे धीरे वो आगे बढ़ता रहा. ही हर्ड इट फ्रॉम फार अवे अ स्टेडी रोर ऑफ फ्लड. और दूर से उसको फ्लड मतलब जो मोजे आते हैं वो उसकी आवाज उनको सुनाई दी. When he came out of the shore, he saw a big herd of snow must have melted yesterday
and here it was. From bank to bank, the river foamed. He looked for the bridge. It was not there. वहाँ पे स्नो हुआ था यस्टरडे को, तो उसका पानी भी पिघल रहा था और कुछ कुछ आवाजें वहां से आ रही थी. So now, how to cross? There was not a chance to swim. और वो स्विम नहीं कर पा रहा था, स्विम नहीं कर सकता था क्योंकि उसने उसके भाई को पीछे उठाया हुआ था. Even alone, he could be lost. अगर अकेला भी जाता तो वहां पे खो जाता. Perhaps among the wreckage of the bridges, there was a way. Wreckage मतलब पुरानी चीजों का टूटा फूटा जो सामान होता है वो उसके पास एक जरिया था. Searching gathered grass and plaited in it a rope. उसने सारा सामान इकट्ठा किया और रोप में उसको एक साथ बांध दिया. प्लेटेड मतलब रोप में टूटे फूटे सामान को एक साथ इकट्ठा करके उसको बांध देना. He tied the rope around his brother and himself so they could keep together. Then he entered the water just above the bridge. Now here MCQ is given. Sheshing tied a rope round his brother and himself in order to play together, swim together or stay together. The correct answer will be stay together. It was so cold that he could hardly keep his hold. He did not know if his brother was alive or dead. बहुत ही वहाँ पे पानी ठंडा था और वो अपने आप को होल्ड भी नहीं कर पा रहा था और उसको पता भी नहीं था कि उसका भाई जिंदा भी है या नहीं. But he kept the child's head above water and inch by inch moved alone. उसने अपने भाई का सर ऊपर रखा और एक इंच इंच करते वो आगे बढ़ता गया. He was deaf, blinded, frozen and tired, but he went on and on. वो पूरा थक गया था. ब्लाइंडेड मतलब वो अंधा हो गया था. नहीं, he was very tired that he was not able to see properly, he was not able to hear properly, totally he was very tired, but still उसने हार नहीं मानी और वो आगे आगे बढ़ता रहा. Then the river seemed to lose power, they were through, और उसने रिवर को पार कर लिया था. After that, Sheshing did not know what happened, he was walking on and on, वो आगे आगे चलता जा रहा था. There was a road, उसने एक रोड देखा. Then there was a better road far away in another world. There came sounds thrilling a village. और वहाँ पे दूसरा रोड आया और उसके बाद में एक अच्छा वाला रोड आया जहाँ पे कुछ कुछ आवाजें उसको सुनाई दे रही थी. Suddenly somehow people after that the next he knew that there were a bullock cart and then a truck. वहाँ पे उसको bullock cart भी दिखा और एक truck भी दिखा. Where have you come from, boy? किसी ने उसको पूछा कि बेटा तुम कहाँ से आ रहे हो. लाडवानी, आंसर दिया सेशिंग ने. लाडवानी, you carried him alone across the river in flood. इतनी जोरों से बारिश हो रही है और आप उसको अपनी पीठ पे कैरी करके लाए हो. They were at the hospital. Sheshing always felt shy of big buildings. He did not go in. वो कभी भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में नहीं जाता था. Much later, the doctor came out on the veranda and said, "You are a boy who brought the child in from Ladwani." तुम एक इतने बहादुर बच्चे हो जो ये छोटे बच्चे को लाडवानी से अपनी पीठ पे उठा के लाए हो. उसने बोला, "Yes." Then a smile broke all over the doctor's gentle face. और डॉक्टर भी उसको देख के बहुत ही खुश हो गया. Sheshing बहादुर, he said, "Your brother will live. Come and see." तुम्हारा भाई जिंदा है और वो बहुत ही अच्छा है. So this was a story and this is the courage of the boy. कि कितनी भी मुसीबत हो हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए. So this was the story about a brother and the name of the boy was Sheshing and he was only 12 years old. So students, this is your chapter number 3, my brother. Author's description and question answers I will be sending in the PDF file and word meanings that is given in your textbook only, page number 22. So word meanings you have to write from textbook only and the author's description and question answers that I will be sending the PDF file in your Tenno. So that's all for today's lecture. Have a good day and bye.